अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हुसनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर ऑनलाइन वर्कशॉप के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएंगी, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको घर बैठे ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्कशॉप के हवाले से एक अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आप लोगों की वर्कशॉप माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन पर होती है। तो आपने जब भी अपनी वर्कशॉप की क्लास को ज्वाइन करना है तो आगाही LMS पोर्टल के लिंक के थ्रू ज्वाइन करना है। तो जब भी आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप हो तो आपने अपने LMS पोर्टल पर आ जाना है और वहां पर हर कोर्स कोड के 6 दिन के वर्कशॉप के लिंक अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जिस दिन की वर्कशॉप आपने लेनी है उस लिंक पर क्लिक कर देना है, तो वो आपको रीडायरेक्ट करके आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पर ले जाएगा और वहाँ पर आपने ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके अपनी क्लास के अंदर शामिल हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है। तो इस तरह आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि LMS के थ्रू अपनी क्लास को ज्वाइन करना है और डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू अपनी वर्कशॉप को अटेंड नहीं करना, इस सूरत में आपकी हाजिरी शुमार नहीं की जाएगी। तो इसलिए आपने LMS आगाही पोर्टल के थ्रू अपनी क्लास को, अपनी वर्कशॉप को अटेंड करना है। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि वर्कशॉप के कितने नंबर होते हैं। तो हर किताब के वर्कशॉप के 10 नंबर होते हैं, जो आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड किए जाते हैं। तो अगर आप 6 दिन की वर्कशॉप अटेंड करते हैं तो आपके 10 नंबर फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे, और अगर आप पूरे 6 दिन की वर्कशॉप मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपके जो 10 नंबर हैं वो काट लिए जाएंगे, वो फाइनल रिजल्ट के अंदर ऐड नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे होते हैं कि क्या वर्कशॉप में गैर हाजिरी पर हमारा सब्जेक्ट फेल हो जाएगा या नहीं। तो अब मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक वर्कशॉप में गैर हाजिरी पर आपका मुतलका सब्जेक्ट फेल नहीं होगा। इसके जो 10 नंबर हैं वर्कशॉप के, वो सिर्फ कट कर लिए जाएंगे, बाकी इसकी वजह से आपका मुतलका सब्जेक्ट फेल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे लास्ट के अंदर एक अहम चीज़ इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो उस सब्जेक्ट की जो वर्कशॉप हैं वो भी सारी की सारी आपको दोबारा से अटेंड करनी होती हैं, दोबारा से ज्वाइन करनी होती हैं। तो उम्मीद है मैंने आपको वर्कशॉप के हवाले से मुकम्मल डिटेल दे दी है। अगर आपका इस हवाले से कोई भी मज़ीद सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।